हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना राठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ रुकिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, 2 महीने पहले मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी अबाउट माई प्रेगनेंसी। और अब सीन ये है कि मेरी जो ड्यू डेट है वो बहुत करीब है, मुश्किल से 10-15 दिन बचे होंगे। तो उसके लिए मैंने अपने बेबी के लिए कुछ प्री शॉपिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, काफ़ी थोड़ी चीज़ें ली है, क्योंकि और कपड़े तो मैंने बिल्कुल नहीं लिए है, क्योंकि नहीं पता इट्स अ बॉय और अ गर्ल। तो जो भी होगा कपड़ों की शॉपिंग उसके बाद होगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये छोटू से टॉयस, और ये मुझे दिया है मेरी बहन ने, काजल ने। ये काजल ने की है शॉपिंग और ये बहुत क्यूट है। मुझे तो अभी से देख के एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये टॉयज़ कैसे लगे। ये मोमेंट बहुत क्यूट है, मतलब एक एक दिन का वेट करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे थोड़ी जल्दी भी है कि जल्दी हो जाए, लेकिन ठीक है, अब जितना लिखा है उतना इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो मेरी दूसरी चीज़ है ये क्यूट सा पिलो, ये भी काजल ने लिया है, और उसे इस तरह की चीज़ें खरीदना बहुत पसंद है। और ये देखो, इसके अंदर यहाँ सरसों भरी हुई है, तो बेबी का सर रखने में, और ये बहुत सॉफ्ट है, उसके सर को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, जहाँ तक मुझे माना है। वैसे मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो अभी तो धक धक हो रही है अंदर से। और हाँ, कपड़ों में मैंने ये लिया है, और ये इसलिए क्योंकि लड़का हो लड़की हो दोनों पे जाएगा, और चाहिए होते हैं एक दो जोड़ी कपड़े। तो भाई जब हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या पहनाएंगे, तो एक दो जोड़ी कपड़े चाहिए थे। बहुत क्यूट है ये यार, छोटे बच्चों के कपड़े कितने क्यूट होते हैं, और इसे देखकर काफ़ी क्यूट है ना ये। और ये एक जोड़ी और लिया है मैंने ऐसा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ गया, इधर उधर कहीं गया है। ये बहुत सारी नैपीज ली है, इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा पर्सनली बिलीव नहीं है डायपर्स में। मैं डायपर्स से अपने बच्चे को थोड़ा दूर ही रखने वाली हूँ, कभी कभी इमरजेंसी या कुछ बहुत ज़रूरी हुआ तो ही पहनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ यही काम करेंगे। हाँ, मैं बार बार धो लूँगी, पर रैशेस आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक सीट ली है वाटरप्रूफ, बच्चा कंफर्टेबली इस पर सो सकता है, लेट सकता है आराम से, और ये लीकेज पे नहीं करता है। और ये नई मॉम्स की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अब एक और चीज़ है, बहुत ही क्यूट सा, ये देखो बहुत ही क्यूट सा टॉवल लिया है मैंने अपने बेबी के लिए। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी सॉफ्ट सी स्किन पर काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ये देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको मेरा एक्साइटमेंट पूरी तरह दिखाई दे रहा होगा। और क्या है, और ये तो मस्त है भाई, ये तो सभी लेते हैं, लेना पड़ता है, बहुत कुछ पहुँचना जो पड़ेगा। इसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, बहुत थोड़ी चीज़ें। ये फेस टॉवल है, दूध वूध पिएगा या कुछ भी होगा तो उसके काम आएंगे ये, और ये भी बहुत सॉफ्ट है। और आपको ध्यान ये रखना है, भाई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसे जितना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर देना। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ तक मानना है वो ये है कि बच्चे के लिए चीज़ें ना है सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्किन जो उसकी इतनी क्यूट सी होती है, उस पर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। क्या मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, दूसरा वाला ड्रेस कहाँ गया मेरी बेबी का। और ये जो है, ये भी सीट है वाटरप्रूफ, और ये मैंने मंगाई है मीशो से, और इनका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और ये 3 शीट मुझे मिली है काफ़ी सस्ते में, और जैसे कि हम जानते हैं कि मीशो तो काफ़ी सस्ता है ही आजकल, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ये है, ये दूसरे वाला, ये देखो कितना क्यूट है, ये देखो। और प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं, हमेशा शेयर कीजिए, इट्स माय
वेरी फर्स्ट टाइम, तो जिस जिस लोगों को एक्सपीरियंस है, खासकर मेरी प्यारी सहेलियों, मुझे तुम शेयर करो, बताओ कि मुझे और क्या लेने की ज़रूरत है। जो पहले हमने और भी चीज़ें ऑर्डर की थी, लेकिन एड्रेस जो है वो मैंने अपने घर का डाला हुआ है, ससुराल का नहीं। उसमें मैंने एक बेडिंग शर्ट ऑर्डर किया है बेबी का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कपड़े तो नहीं किए, कपड़े का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी एक अपने आप में एक एक्साइटमेंट है कि ये लड़का है या लड़की है, खैर जो भी है, मुझे दोनों ही पसंद है। लड़का हो लड़की हो, दोनों अपनी जगह सही है। बस मेरा ये है कि हेल्दी होना चाहिए। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरा बेबी जो है अच्छे से दुनिया में आए और हेल्दी हो, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खैर आप बताइए गाइस क्या चल रहा है। मेरा तो आजकल यही चल रहा है, पूरा दिन सोचते रहती हूँ, मेरे दिमाग में यही चीज़ें रहती है बस। और मुझे लगा कि मुझे आप लोग के, जब मैं अपने घर की हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये भी करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। तो प्लीज़ गाइस, आज का वीडियो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी छोटा वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो देखिएगा ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे और क्या लेने की ज़रूरत है। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। वन मोर थिंग, मैं ससुराल आ चुकी हूँ कुछ टाइम पहले, अभी 2-4 दिन पहले ही, और मैं खुश हूँ। और ये मेरा कमरा है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मेरे रूम टॉय का। ओके, आप जाके देख लेना। हालांकि उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है, लेकिन कभी फुर्सत मिली तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए अपने रूम टूर का वीडियो बना दूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ थोड़ा सा काम करने में भी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलती हूँ जल्द ही। कोशिश करूँगी कि किसी ने कोई नया वीडियो लेकर आ सकूँ आप लोगों के लिए। वैसे अभी तो मैं थोड़ा फंसी हुई हूँ कुछ चीज़ों में, लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत होगी मैं फिर से कोई नया वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट।